नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड का बजट सत्र 3 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। उत्तराखंड पुलिस विभाग के मुखिया अनिल रतूरी ने बताया कि चाहे बजट सत्र की सुरक्षा हो या फिर वहां पर धरना प्रदर्शन, हर काम के लिए पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। बजट सत्र जैसा आप अवगत हैं गैरसैंण में बुलाया गया है, और वहाँ पे चाहे वो बजट सत्र की विधानसभा की सुरक्षा हो उसके लिए, या जहाँ वहाँ पर जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं उसके लिए, या वहाँ पर जो पुलिस के द्वारा अपने आप शासन के स्तर पर जो कार्य अपेक्षित है वो करने के लिए हम लोगों ने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की एक योजना बनाई है। 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से गैरसैंण में बजट सत्र होने जा रहा है और सत्र की जो अवधि है वो बेहद कम है, क्योंकि उसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है, उसके बाद उस पर चर्चा होनी है, उसके बाद बजट आएगा और उस पर भी चर्चा होगी। इसको देखते हुए सत्र की अवधि बेहद कम लगती है। देखिए, 3 मार्च से जो है विधानसभा का बजट सत्र जो है प्रारंभ हो रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि सत्र की जो अवधि है वो बहुत कम है, क्योंकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना है, उस पर चर्चा होनी है, उसके बाद बजट आएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर विभागीय बजट आएगा, उस पर चर्चा होगा, तो लेकिन समय की अवधि। हरिद्वार में प्रशासनिक टीम के द्वारा स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किए जाने से नाराज स्टोन क्रशर संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। स्टोन क्रशर संचालकों का कहना है कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर क्रशरों की जांच करके अधिक से अधिक पेनल्टी वसूलना चाहता है, जबकि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। प्रशासन राजस्व की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा है। पत्रकार वार्ता करते हुए क्रशर संचालकों ने कहा कि खनन और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री के बंद पड़ जाने से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए, हमने इसके लिए एक ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को, हमने बताया भी था कि हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उसमें 3 बिंदु हैं और हम उसके अनुपालन के लिए अपनी सहमति प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी बात को दरकिनार किया गया और हमारी इन सब डिमांड को माना नहीं गया, तो उसके लिए हम लोग इसमें जा रहे हैं। हमने लिखा भी था कि इसके मजबूरी में हमें बंद करना पड़ेगा। हरिद्वार के रामानंद इंस्टीट्यूट में खेलों का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से लड़कियां प्रतिभाग कर रही हैं। रामानंद इंस्टीट्यूट ने 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर लड़कियों को शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों का आयोजन किया है। वहां के प्रिंसिपल राम अवतार शर्मा का कहना है कि हमारा संस्थान उत्तराखंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नंबर 1 का अवार्ड लेने के बाद चर्चाओं में है, तो वहीं अब 3 दिवसीय खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे यहाँ पे सर इस समय स्पोर्ट्स और गेम्स की मीट हो रही है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीट है और ये अभी 3 दिन तक जारी रहे। इसमें लगभग सभी गेम्स हैं, टीटी है, बैडमिंटन है, कैरम है, क्रिकेट है और टिहरी में नगर पालिका चंबा के द्वारा एक नई पहल की जा रही है, जिसके बीच अब वो जनता की मांग पर हर वार्ड में जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष सुमन डमोला ने बताया कि अब चंबा नगर पालिका के लोगों को नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनका उद्देश्य वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है ताकि उसकी समस्या का निराकरण हो सके। अब नगर पालिका के द्वारा बैठक कर सभी वार्डों में जाकर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। जैसे है जो हमारे वार्डों में जो बैठक हुई और होगी, तो ये है कि वार्ड में जो सबसे पीछे का व्यक्ति रहता वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अपने कार्यों लेके हम नगर पालिका में जाए, तो हमारा उन तक पहुंचने का वह है जरूरतमंद समस्या, वार्ड में जो समस्या होती है वो वार्डों में अगर सबसे मिलकर उसका हल निकाला जाए सबसे बढ़िया रहेगा। टिहरी जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। टिहरी जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 22,592 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं इसके लिए 149 परीक्षा केंद्र मिश्रित और 148 एकल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी चंबा शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और आज प्रथम पेपर हमारा हिंदी का है, इंटर का, और ये परीक्षाएं शांतिपूर्ण रूप से आज से प्रारंभ हो गई हैं और सब जानकारी निर्देश हमने केंद्र व्यवस्थापकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नागेड़ द्वाबिया के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय जनता दरबार में जाकर प्रशासन से उनके गांव में सड़क सुविधा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके गांव में 150 परिवार रहते हैं, जहां की आबादी लगभग 700 के करीब है। उनके गांव से मुख्य सड़क तक आने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो आंदोलन भी करेंगे। आज ये चंबा प्रखंड है रघुड़ी का, उसमें जो रघुड़ ग्राम पंचायत की है वो 3 किलोमीटर लिंक रोड की मांग कर रहे हैं। उसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं जिला दिवस होने के कारण। मांग सर सड़क की और उपजाति के लिए ही है, मेन तो सर सड़क की है। हमें अभी एक नपत हुई है PWD द्वारा, उससे हमें सर लिंक रोड चाहिए, वो रोड बंद ना हो, हमें लिंक रोड मिल जाए। पौड़ी जनपद के द्वारीखाल ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख महिन सिंह राणा की पहल पर द्वारीखाल में दशकों के बाद जबरदस्त होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में द्वारीखाल ब्लॉक और विधानसभा यमकेश्वर समेत कलजी खान और पौड़ी जनपद समेत दूर दराज के लोग शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडोड़ी भी रही। प्रसिद्ध गढ़वाली गायिका संगीता ढौंडियाल और अमित सागर की प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में महिला मंगल दल और ग्रामीण महिलाओं ने उत्साह के साथ शिरकत की। मेरी आपने देखा उनके चेहरों पर जो खुशियां थी, मुझे लग रहा है कि मैंने स्वर्ग पा लिया। और आज जो उनके बीच में मुझे उनके बीच में रहके और जो चीजें मुझे देखने का मौका मिला, भाई मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी खुशी अच्छे अच्छे खुशियों से बड़ी थी। और मैं सबको बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और होली का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है, होली के दिन सब लोग एक हो जाते हैं, तो यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग आपसी भाईचारे में रहें और आज यहाँ देख रही हूँ यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।